Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine and doing good at your place. I'm Monica from Adarsh Senior Secondary School, Khaisirgad. In previous classes, we discussed about the property of division and division by 10, 100 and 1000. And today we start exercise 2.8. जो एक्सरसाइज 2.8 इन प्रॉपर्टी बेस है. इट्स फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक. तो यहाँ पे जो ब्लैंक दे रखे हैं इनको हमें फिल करना है. इट्स ओके. नेक्स्ट जो फर्स्ट इसका पार्ट है, 13,450 डिवाइडेड बाय 1. देन रिजल्ट क्या आता है? जब किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट अपना सेम नंबर ही आएगा. ओके स्टूडेंट, तो इसका रिजल्ट 13,450. एंड नेक्स्ट सेकेंड, 98,765 इज डिवाइडेड बाय 98,765. जब किसी नंबर को सेम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? 1. तो ब्लैंक में क्या आ जाएगा? 1. नेक्स्ट पार्ट, थर्ड ब्लैंक डिवाइडेड बाय 295. तो जीरो से जब हम जीरो को डिवाइड करेंगे 295 से, तो क्या रिजल्ट आएगा? 0. नेक्स्ट, अब इसमें भी जीरो को डिवाइड किया गया है किससे? 63,935. देन द रिजल्ट इज 0 इटसेल्फ. ओके स्टूडेंट, जब किसी भी नंबर से जीरो को डिवाइड किया जाता है तो रिजल्ट क्या आता है? 0. नेक्स्ट पार्ट बी, कंप्लीट द टेबल. तो यहाँ पे जो टेबल दे रखी है उसमें हमें क्वार्टाइंट और रिमाइंडर फाइंड करना है. और इसमें किस किस से डिवाइड किया गया है? 10 से, 100 से और 1000 से. तो इनसे, तो इनके डिवाइड करने के लिए हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, डिवीज़न बाय 10, 100 और 1000. इससे आपको डिवाइड करके नहीं देखना पड़ता है, इसे डायरेक्टली आप क्वार्टाइंट और रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं. देखो कैसे करना है. फर्स्ट 8,164 इसको डिवाइड करना है किससे? 10 से. तो इसका क्वार्टाइंट और रिमाइंडर क्या होगा? जब किसी भी नंबर को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, When number is divided by 10, the digit in the ones place is the remainder. Its first property. तो इसका remainder क्या होगा? जब किसी number को अगर हम 10 से divide करते हैं जो ones वाले place पे जो value होती है तो वो क्या होता है? Remainder. तो remainder क्या होगा? Ones वाला place कौन सा है? 4. ये ones, tens, हंड्रेड, थाउजेंड. तो रिमाइंडर इसका क्या हो गया? 4. रिमाइंडर क्या होता है? ऑन द प्लेस ऑफ वंस दैट वैल्यू इज रिमाइंडर. तो रिमाइंडर में क्या आ जाएगा? हमें बिना डिवाइड किए पता लग गया कि इसका रिमाइंडर होगा 4. और क्वार्टाइंट में जो बाकी जितने भी डिजिट बच जाएंगे वो किस में आएंगे? क्वार्टाइंट में. 8,166 इसमें आ जाएंगे क्वार्टाइंट. तो आपको इसको बिना डिवाइड किए हुए जब आप 10 से किसी भी नंबर को डिवाइड करने के बारे में आपसे पूछा जाए उसका क्वार्टाइंट और रिमाइंडर, तो क्या करना है कि वंस वाला प्लेस को आप रिमाइंडर में राइट करोगी और नेक्स्ट जो नंबर बच जाएंगे वो होंगे क्वार्टाइंट. क्वार्टाइंट में आ जाएगा 116 एंड रिमाइंडर इज 4. नेक्स्ट
सेकेंड क्वेश्चन 57 57,987 इज डिवाइडेड बाय 100, तो 100 वाली प्रॉपर्टी देखो पहले। व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 100 द नंबर फॉर्म्ड बाय द टेंस एंड वंस प्लेस इज इट्स रिमाइंडर। तो रिमाइंडर में क्या आ जाएगा कि जो वंस और टेंस वाले प्लेस की जो वैल्यू है इसी इसमें 57,987 इसमें जो वंस और टेंस वाले प्लेस पे जो वैल्यू है जो डिजिट है वो क्या आ जाएंगे रिमाइंडर और रिमेनिंग आर इंक्लूड इन क्वाटाइंट। ओके स्टूडेंट 87 इन रिमाइंडर एंड 579 इन क्वाटाइंट। नेक्स्ट पार्ट थर्ड 18,275 इसको जब डिवाइड करेंगे 100 से तो इसका रिमाइंडर क्वाटाइंट क्या होगा सेम वही प्रोसेस वंस और टेंस वाले प्लेस की वैल्यू रिमाइंडर एंड रिमेनिंग डिजिट्स आर इंक्लूड इन क्वाटाइंट। 75 इज रिमाइंडर एंड 182 इज क्वाटाइंट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 7, 2, 3, 4, 5 and 6 इस डिवाइडेड बाय 1000। अब इस ये नंबर है इसको किससे डिवाइड किया गया है 1000 से, तो 1000 वाली प्रॉपर्टी देखो। व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 1000 द नंबर फॉर्म्ड बाय डिजिट इन द 100 टेंस एंड वंस प्लेस इज द रिमाइंडर। जो वंस टेंस और 100 प्लेस पे जो वैल्यू है वो किस में आ जाएगी रिमाइंडर में, तो इसका आ जाएगा 456। ये किस में आएगा रिमाइंडर। एंड जो नेक्स्ट जो वैल्यू बच जाएगी वो किस में आएगी क्वाटाइंट 723 किस में आ जाएगा क्वाटाइंट में। ओके स्टूडेंट इट इज़ क्लियर नाउ। तो आप जब कभी भी 10, 100, 1000 से आप डिवाइड करोगे किसी नंबर को तो आपको क्या देखना है 10 के लिए वंस वाला प्लेस रिमाइंडर में आएगा, 100 के लिए वंस और टेंस वाला प्लेस, एंड फॉर 1000 के लिए वंस टेंस और 100 वाले प्लेस किस में आ जाएंगे रिमाइंडर में। सेम पार्ट फिफ्थ इसमें 1000 से की गई है तो लास्ट वाले तीनों पार्ट वंस टेंस और 100 रिमाइंडर में आ जाएंगे। नेक्स्ट इसको जब टेंस से करेंगे टेंस से करते हैं तो वंस वाले प्लेस पे क्या दे रखा है 8, 8 किस में आएगा रिमाइंडर में और बाकी जितने भी 8 बच गए हैं वो किस में आ जाएंगे क्वाटाइंट में। ओके स्टूडेंट इट इज़ क्लियर नाउ। तो आपको एक्सरसाइज 2.A के ई और बी पार्ट करने हैं, इट्स योर होमवर्क। नेक्स्ट पार्ट सी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।